2 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि हमारे भाई अमर शहीद नकद सिंह जी का अरुणाचल में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया है, शहीद हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अरुणाचल काफ़ी दूर है, 2 दिन पार्थिव देह आते लग गया और आज सुबह हम सभी बाड़मेर से पार्थिव देह के साथ में पैतृक गांव हरसाणी आए। परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, पर ये पूरे क्षेत्र के लिए, बाड़मेर जैसलमेर के लिए एक गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे भाई को इस देश के लिए कुछ करने का एक मौका मिला है। साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से और नकद सिंह तैयार होंगे और इस भारत माता के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। पांच बहनें, एक इकलौती एक बहन, उनका भाई है, तो कितना कम है और परिवार के आर्थिक स्थिति कैसी है? जाहिर सी बात है कि परिवार पे एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो ये पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है, हम सभी लगभग समान हैं। जाहिर सी बात है क्षति बहुत बड़ी है, पर हम सब परिवार के लोग मिलके सभी को हिम्मत देने का प्रयास करें। मैं इनके भाई से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम सिर्फ कटाना जानते हैं या गिनाना, सिर्फ हमारे पक्ष की बात नहीं है, हम जाहिर सी उनसे बात है 1965 का युद्ध हो या 71 का हो या आज तक जब भी कभी भारत को, इस देश को ज़रूरत रही है। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, बलिदान दिया है, और इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में हमारे भाई अमर शहीद, हमारे हरसाणी और इस बाड़मेर जैसलमेर के गौरव नकद सिंह जी ने, नकद सिंह जी की शहादत आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी। तो सर, आप इस इलाके के विधायक हैं, तो क्या सरकार से भी मुआवजे से लगाकर जो सरकारी सुविधाएं जो शहीद परिवार को मिलती है उसके लिए भी तैयारी करेंगे? जाहिर सी बात है कि पूरे तरीके से सरकारी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, और मैंने आज एक पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ की जो स्कूल है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका नाम शहीद नकद सिंह भाटी उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्किल है, जो ग्रीफ का आर्मी की रोड है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और तमाम यहाँ की रोडें आर्मी की है, तो यहाँ पे एक स्मारक बनना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ले सकें और सभी के अंदर एक देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत रहना चाहिए। हाँ, अंतिम सवाल, मैं देख रहा था जब परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे, आप भी भावुक हो गए थे, कैसा क्षण था और मैं, परिवार को आपने कैसे ढांढ रखा है? ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई है, मेरे अपने हैं, और जाहिर सी बात है कि ये जो समय है भाव कौन नहीं होता है। ऐसा ऐसी स्थिति जब देखते हैं, किसी घर से अगर कोई चिराग जब इस तरीके से सभी को छोड़ के चले जाते हैं तो दुख तो जाहिर सी बात होती है, पर जब एक तरफ देखते हैं कि पूरे देश के लिए और दूर दराज क्षेत्र से जो हजारों संख्याओं में जो लोग आए हैं, ये हम सभी के लिए भी गर्व और गौरव की बात है कि हमारे भाई को, हमारे इस क्षेत्र के एक लाल को इस देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है।